दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की, तजुर्बे की। ये स्टोरी है एक महान चित्रकार पेंटर पिकासो की। बहुत सेंचुरीज पहले की बात है, वो सड़क पे चल रहे थे और वहाँ पे एक यंग लेडी जो खुद भी एक आर्टिस्ट बनना चाहती है, ड्राइंग सीखना चाहती है, वो उनको देखती है तो वो सरप्राइज रह जाती है क्योंकि पिकासो यू नो इज दी पेंटर। और पहले तो उसको यकीन नहीं होता कि उनके सामने पिकासो खड़े हैं। वो उनके पास जाती है और बोलती है, पिकासो सर, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने आपको देखा और मैं आपसे बात कर रही हूँ। और वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है। पिकासो उनको विशेस देते हैं, उसके बारे में पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो वो बताती है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अभी एक पेंटर बनना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सर आप मेरे लिए कुछ लिख दें या ऑटोग्राफ अपना दे दें तो मैं धन्य हो जाऊंगी कि मुझे पिकासो ने अपना ऑटोग्राफ दिया है या कुछ चित्र बना के दिया है। सो पिकासो कहते हैं, व्हाई नॉट माय चाइल्ड, क्यों नहीं, आपके पास पेपर और पेंसिल है। तो वो आर्टिस्ट होती है, उसके थैले में होता है, वो उनको देती है और वो उसकी तरफ देख के एक्चुअली उसका खुद का स्केच बनाते हैं उस लड़की का, उस बच्ची का। और लगभग 30 सेकंड के अंदर वो बना के और नीचे अपना नाम और डेट वगैरह डाल के बोलते हैं, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड टू यू। सो वो बोलते हैं, सो वो तकरीबन 30 सेकंड में वो स्केच बनाते हैं, अपने साइन करते हैं और उस लड़की को एज अ गिफ्ट दे देते हैं। अब वो लड़की अपना स्केच देखती है और जो बहुत ही बहुत बढ़िया बनाया होता है बिकॉज दी पिकासो ने बनाया और मोर ओवर उनकी उस पर हस्ताक्षर होते हैं। वो उनको थैंक्स करती है और बोलती है, थैंक यू सो मच सर, यू मेड माई डे, ये मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू सो मच। और वो जाने के लिए निकलती है तो पिकासो उसको रोकते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, लेडी 30 लाख रुपए। ऑफकोर्स उस समय रुपए या लाख नहीं चलते थे, बट ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। बोलते हैं, लाइए 30 लाख रुपए, मेरा मेहनताना। अब वो जो यंग लड़की है वो थोड़ा घबरा सी जाती है और ऑफकोर्स उसके पास उतने पैसे होते भी नहीं हैं। और वो उनको बड़े प्यार से पूछती है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये स्केच बनाया, मगर 30 सेकंड आपको लगे और आप उसका मेरे से 30 लाख रुपया मांग रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया सर। तो पिकासो मुस्कुराते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, मेरे बच्चे, माय चाइल्ड, इस 30 सेकंड के स्केच को बनाने के लिए मेरी 30 साल की मेहनत है, मेरे 30 साल की प्रैक्टिस है। दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी के एक्सपीरियंस को बुरा नहीं बोलना चाहिए। एक्सपीरियंस चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो एक्सपीरियंस होता है, वो हमें हमेशा कुछ सिखा के जाता है। और आपको भी कई लोग मिलते होंगे ना, जो भी आप लाइफ में करते हैं, जो भी आपने सीखा है, जो भी अपने परिवार के लिए आप मेहनत करते हैं, अपने ऑफिस में मेहनत करते हैं, अपनी दुकानदारी में मेहनत करते हैं, लोग आपको आज जो आप हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों हमें किसी को जो वो आज है उस पर नहीं परखना चाहिए बिकॉज उसके बैकग्राउंड में उसने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसने और उसकी फैमिली ने कितनी मेहनत की है, वो शायद हमें नहीं दिखता, राइट? सो कभी भी किसी के एक्सपीरियंस को नकारे नहीं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को कभी कम मत होने दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।